हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास मैथमेटिक्स पार्ट फोर है, ठीक है। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स है और पॉलीनोमियल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और आज जो टॉपिक है वो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल है, ठीक है। यानी एक पॉलीनोमियल के जो फैक्टर्स हैं वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने ऐसे नंबर्स के फैक्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, यानी जिनसे इस नंबर का यानी किसी भी नंबर का कंप्लीट डिवीजन हो, ठीक है, आंसर जीरो है तो वो उसके फैक्टर्स कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइन यहाँ पे है, ठीक है, तो अगर हम नाइन के फैक्टर्स निकालेंगे हैं थ्री नाइन और वन, ठीक है। जब हम नाइन को थ्री से डिवाइड करेंगे, नाइन को नाइन से डिवाइड करेंगे, वन से करेंगे, तो ऑब्वियसली वन का वन सब का होता है, थ्री और नाइन यहाँ पे और वन भी इनके फैक्टर्स, यानी इनसे अगर नाइन को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर वो जीरो आएगा, सही बात है। इस तरह फर्क मैंने एक और एग्जाम्पल ली, एट है, ठीक है, एट के फैक्टर्स हैं टू फोर एट वन, इस तरह से हम नंबर के फैक्टर्स नहीं करते हैं, ठीक है। यही काम हमें अब करना है पॉलीनोमियल्स में, ठीक है। पॉलीनोमियल्स में हमें सिर्फ बस वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट दिए गए हैं, हमारी एक पॉलीनोमियल होती है, ठीक है, जिसमें कॉन्स्टेंट वेरिएबल होती है, टर्म होती है, तो उनके साथ हमें क्या करना है, उनके साथ हमें फैक्टराइजेशन यानी उनके फैक्टर्स निकालने के, एक पॉलीनोमियल को किस से डिवाइड हो सकता है, सही बात है। तो उसको उसके लिए हमें एक यहाँ पे थ्योरम पढ़नी पड़ी है, वो है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। इससे पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आपस में सेम ही है, बस सिर्फ इसमें अंतर एक चीज़ का है कि रिमाइंडर थ्योरम से हम बस क्या करते काम थे कि हम रिमाइंडर का पता लगा देते, ठीक है। यही जो फैक्टर थ्योरम है वो रिमाइंडर का एक सब पार्ट है। यहाँ पे बस सिर्फ हम क्या काम करते हैं कि हम उस जो भी पॉलीनोमियल है, ठीक है, उसको जीरो के अगर वो यानी उसका वैल्यू अगर जीरो के बराबर इक्वेट हुआ तो इसका मतलब है वो टर्म उस पॉलीनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका स्टेटमेंट हम अगर हम पढ़ेंगे, इफ़ पी ऑफ एक्स इज ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एंड ग्रेटर देन वन, ठीक है, ग्रेटर देन वन की जो डिग्री होगी अगर कोई पॉलीनोमियल होगी, एंड ए बी ए रियल नंबर और ए कोई रियल नंबर होगा, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है, यानी इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, ये हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से, ठीक है। एक्स प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यू, ठीक है, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एंड ये दो पॉलीनोमियल दिए गए, हम पहले ये पॉलीनोमियल लेंगे, ठीक है। ये बता रहा है कि आप चेक करिए क्या x प्लस टू इस पॉलीनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, सही बात है। तो फैक्टर थ्योरम क्या हमें बोल रहा है कि हमें पहले जीरोज ऑफ x प्लस टू यानी इस x प्लस टू के हम जीरोज देखेंगे, ठीक है। हमने जब देखा तो x इज इक्वल टू माइनस टू, यानी हमने इसको x के बराबर इक्वेट किया, फिर यहाँ पर हम x का वैल्यू दिया आया तो x इक्वल टू माइनस टू, ये x माइनस टू हम इस पॉलीनोमियल में डाल देंगे, ठीक है। जो ही हमने इस पॉलीनोमियल इसको डाल दिया, इसका वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट किया तो हमें लास्ट में आंसर क्या आया, जीरो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमने इसका वैल्यू जो जीरो आया, इसका मतलब सो बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। यही काम हम रिमाइंडर थ्योरम में करते थे, लेकिन वहाँ पे जीरो आए या ना आए कोई भी चीज़ आता था लास्ट में तो हम इसको रिमाइंडर कहते थे। यहाँ पे सिर्फ और एक कंडीशन इसको ऐड कर दें कि फैक्टर थ्योरम में जो ही आप वैल्यू डालोगे और आपका वैल्यू अगर जीरो आ गया तो उसका मतलब है वो टर्म उसका फैक्टर है। ये बात हम आगे और समझेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें अब ये एक तरीका है, ठीक है, फैक्टर ढूंढने का। दूसरा एक तरीका है कि अगर हमें कोई भी पॉलीनोमियल दी गई हो, ठीक है, उसको हम स्प्लिट टर्म, ठीक है, जो मिडिल टर्म हो उसको हम स्प्लिट करेंगे, उसको हम स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे ये हम नीचे समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवनटीन एक्स प्लस फाइव, ठीक है, ये हमें एक टर्म दी गई है, इसमें से मिडिल टर्म ये वाली टर्म है, ठीक है। अगर कहीं ये अरेंज में नहीं दिए गए हो तो सबसे पहले एक काम करना होता है कि इसको अरेंज में लिखना होता है, तो उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये है सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवनटीन एक्स प्लस फाइव, ठीक है। यहाँ पे सेवनटीन को हमें इस तरह स्प्लिट करना है कि अगर हम उन दो नंबर्स को ऐड करें तो सेवनटीन आना चाहिए, ठीक है, और अगर हम उन दो नंबर्स को क्या करें मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट इन दो के बराबर आना चाहिए। नहीं, मेरे कहने का मतलब है सिक्स इंटू फाइव हो गया थर्टी, ठीक है, और ये नंबर बीच में दिया गया तो 17 को हमें ऐसे क्या करना है, डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है कि अगर उनका प्रोडक्ट वो किसके बराबर आना चाहिए, 30 के बराबर आना चाहिए, और 17 को ऐसे स्प्लिट करना है कि वो यानी किसके बराबर आना चाहिए, खुद 17 के बराबर आना चाहिए, यानी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया, मैंने 6x² प्लस 2x प्लस 15x, ठीक है, 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, ठीक है, 15 टू हज़ार हो गया 30, सही बात है, और ये हो गया अपना 5। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से 2x कम लिया और यहाँ से 2x लिया, तो यहाँ पे 3x प्लस 1 2 3 हज़ार 6 x² 2x, ठीक
इसके वापस आया और फाइव यहाँ से फाइव निकाला कॉमन, ठीक है फाइव इसमें कॉमन आ रहा है प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है टू एक्स प्लस फाइव थ्री एक्स प्लस वाई, यानी टू एक्स प्लस फाइव ये लिया और इन दो में से एक ही लिया, ठीक है। और ये याद रखना अगर आपका जब भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आप सॉल्व करेंगे तो ये एक फैक्टर आपको ज़रूर कॉमन आना चाहिए, यानी एक फैक्टर आपको ज़रूरी सेम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसका मतलब है कि अगर इवन माइनस का भी अंतर आ रहा है, माइनस का की भी फर्क आ रही है, तो आपका क्वेश्चन कहीं आप कहीं गलत कर रहे हो, ठीक है। तो बस दो ही आएंगे, ये और ये, इसके दो फैक्टर्स हैं। और अगर आप चेक भी कर सकते हो, इससे इस पॉलीनोमियल का अगर डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर जो भी है वो जीरो आएगा, सही बात है। इसके बाद है फैक्टराइज है, ये स्क्वायर था, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूबिक पॉलीनोमियल है, ठीक है। क्यूबिक पॉलीनोमियल हम ज़्यादातर कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लास्ट पे जो 120 है इसको हम क्या काम करेंगे कि इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे। 120 के फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है। तो वो है वन टू भी हैं, थ्री भी हैं, फोर से भी हो रहा है, इस तरह बहुत सारे हो रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने वन वैल्यू डाल दिया, हमने इनमें से एक वैल्यू वन डाल दिया। जो हमने वन डाल दिया तो वन से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। वन से इसका आंसर जीरो है, तो इसका मतलब है एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ठीक है। तो जब एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है तो हमने क्या काम कर दिया, हमने इसको इस तरह स्प्लिट कर दिया कि हमने पहले इससे एक्स माइनस वन अलग कर दिया। जो ही हम एक्स माइनस वन इसे अलग कर देंगे, हम इसमें कर देंगे, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 22 एक्स प्लस 120 एक्स माइनस 120, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से सेपरेट कर दिया, यहाँ पे 22 प्लस 1 हो गया 23, ठीक है। 22x प्लस 120 हो गया 142x माइनस 120 वापस, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ से कम लिया हो गया x माइनस 1, ठीक है। माइनस 22x यहाँ पे x माइनस 1 आएगा प्लस 120 इंटू एक्स माइनस 1, तो x माइनस 1 हम एक साइड लिखेंगे और उसके बाद ये हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 22x, ठीक है, प्लस 120। फिर उसके बाद इसको सेपरेट करेंगे यहाँ से, फिर हमें जो फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, x माइनस 1, x माइनस 12, x माइनस 10, इसके फैक्टर्स। और यहाँ पे हम एक काम भी और भी कर सकते हैं कि जब जो ही हमें ये आया यहाँ पे, ठीक है, x माइनस वन आया, तो हम x माइनस वन से इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, ठीक है। वहाँ पे जो क्वेश्चन टाइम है आएगा, ठीक है, यानी x माइनस वन से इस पॉलीनोमियल को डिवाइड, यहाँ पे क्वेश्चन टाइम है क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। फिर वहाँ पे उस तरीके से हम आसानी से इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, हुई ये बात, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 है, तो इसमें बता रहा है कि डिटरमाइन विच पॉलीनोमियल हैज़, ठीक है, x प्लस वन फैक्टर, ठीक है। इनमें नीचे पॉलीनोमियल दिए गए हैं, उनमें से बताना कि x प्लस वन किसका फैक्टर है, सही बात है। तो हम चेक करेंगे, देखेंगे यहाँ पे है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। हमें बताना कि क्या x प्लस वन इसका फैक्टर है कि या नहीं, सही बात है। x प्लस वन के जीरोज देखेंगे, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो माइनस वन का वैल्यू इस पॉलीनोमियल में डाल देंगे, यहाँ पे ये डाल दिया, जीरो आ गया आंसर। तो इसका मतलब कि यस, x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, इस तरह ये क्वेश्चन करना। इसी तरह हमारे पास दूसरा एक दूसरा क्वेश्चन, मैंने होमवर्क छोड़ दिया है, वो खुद करना। तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया, ठीक है, सिंपल है, x रेस पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। हमें देखना है कि क्या ये इसका फैक्टर है नहीं, यानी x प्लस 1 इसका, यानी फैक्टर का मतलब कि ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, यानी जो रिमाइंडर है वो लास्ट पे आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो हम इसके जीरोज तो हमने देख लिया, माइनस 1 है, माइनस 1 के वैल्यू इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो जो ही हमने सॉल्व किया तो लास्ट में आंसर आया 1, तो इसका मतलब है नो, x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, ठीक है। इस तरह हम लास्ट पार्ट भी देखेंगे, ठीक है। ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। ये हमें पॉलीनोमियल दी, इसका जीरो हमें पता है, माइनस 1 है, माइनस 1 यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, जो है हमें सॉल्व किया तो 2 प्लस 2 रूट 2 आ रहा है, ठीक है, जो जीरो के बराबर नहीं है। तो नो, एक्स प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ द, सही बात है। तो इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये हमें यूज फैक्टर फॉर्म कर लिया टू डिटरमाइन जी एफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ है पी एफ एक्स, ठीक है, इज फैक्टर ऑफ पी एफ एक्स। पी एफ एक्स हमें दिया गया है, जी एफ एक्स भी दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जीरोज ऑफ जी एफ एक्स देंगे, ठीक है। एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये माइनस वन आया हमें, ये माइनस वन हम इसमें डाल देंगे, इस पॉलीनोमियल में, ठीक है। टू इंटू माइनस वन का होल क्यूब प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस वन, ठीक है। तो यह आ गया टू, वन का क्यूब होता है माइनस वन, तो माइनस टू, ठीक है, प्लस वन प्लस टू माइनस आ गया जीरो। तो इसका मतलब है बिल्कुल जी एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एफ एक्स।
इस तरह दूसरी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन है, ये क्या है, पी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है। जी एफ एक्स हमें एक्स प्लस टू दिए गए, जीरोज ऑफ एक्स प्लस टू है, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू का वैल्यू इस पॉलीनोमियल में डाल देंगे, ठीक है। तो माइनस टू का होल क्यूब, ठीक है, प्लस थ्री इंटू माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू का माइनस टू सिंपली प्लस वन, ठीक है। ये सॉल्व करने में माइनस वन आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा है, तो नो जी एफ एक्स इज अ नॉन फैक्टर ऑफ जी एफ एक्स, ठीक है। तो अब दूसरा पार्ट इसका आप खुद करेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू निकालना है हमें के का, कि इफ एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एफ एक्स, सही बात है। तो x माइनस वन इज ए फैक्टर, दैट मीन्स पी एफ एक्स इक्वल जीरो, यानी ये बोल रहा है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है। अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है तो इसके मतलब इससे कम्प्लीटली डिवीजन होगा, यानी इसके जीरो से अगर वो इस का वैल्यू डाल देंगे इस पॉलीनोम में तो वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो जीरो x माइनस वन किसके बराबर है, जीरो के बराबर लिखेंगे तो x इज इक्वल टू वन, यानी x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वन, तो वन वन का वैल्यू डाल देंगे इस पॉलीनोम में, ठीक है। हो गया वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो, वन प्लस वन हो गया टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो, टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू माइनस टू, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है के का वैल्यू है वो माइनस टू के बराबर है, सही बात है। तो इसके बाद हमारे पास एक तीसरा पार्ट है, वो है कि पी एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स टू रूट एक्स प्लस वन, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है, दिए गए हैं तो के का वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, यानी सॉरी एक्स का वैल्यू डालेंगे, वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन, ठीक है, प्लस वन के रूट टू प्लस वन, ठीक है, के इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन, यानी सिंपल यहाँ माइनस था तो यहाँ डाल देंगे पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस बन जाएगा, सही बात है। इस तरफ है हमारे पास और एक एग्जांपल है कि पी एफ एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के, ठीक है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या डालना है, माइनस वन, क्योंकि हमें बताया वहाँ से ये बताया कि एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, ठीक है। तो वन का के इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, के माइनस थ्री प्लस के होगा, ठीक है, टू के इज इक्वल टू थ्री, के इज इक्वल टू बाई थ्री, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि फैक्टराइज हमें करना है कि, ठीक है, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस वन, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ठीक है, इजीली करेंगे, कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग मिडिल टर्म, ठीक है, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस वन, ठीक है। मैंने इससे पहले भी समझाया कि इस मिडिल टर्म को इस तरह सेपरेट करना है कि इसका अगर उन दो नंबर्स का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, और अगर प्लस करेंगे या ऐड या सेपरेट करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या काम कर दिया, ट्वेल्व इंटू वन हो गया ट्वेल्व, ठीक है, ट्वेल्व वन हज़ार हो गया ट्वेल्व, तो फोर थ्री हज़ार क्या हो गया ट्वेल्व, फोर प्लस थ्री यानी फोर माइनस फोर माइनस थ्री हो गया माइनस सेवन, तो इसके बाद मैंने जो मिडिल टर्म वो सही मैंने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमन लेंगे फोर एक्स इंटू थ्री एक्स माइनस वन, ठीक है, फोर थ्री हज़ार ट्वेल्व एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर एक्स वापस आ गया हमें, और माइनस वन इंटू थ्री एक्स माइनस वन, क्योंकि माइनस यहाँ से बाहर लेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस वापस नहीं आ गया, तो इसका बोला फोर एक्स माइनस वन, ठीक है, थ्री एक्स माइनस वन, तो ये दो इसके फैक्टर्स हैं। आप चेक भी कर सकते हो, इसके साथ अगर पॉलीनोमियल को डिवाइड करोगे तो बिल्कुल होगा रिमाइंडर आपका जीरो आए, सही बात है। तो इसके बाद ये वाला पार्ट, दूसरा पार्ट है कि टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री, ठीक है, सप्लेयर मिडिल टर्म करनी है, क्या है कि मिडिल टर्म जो है सेवन एक्स यहाँ पे दी गई है, ठीक है, इसको इस तरह सेपरेट करता है कि इन दोनों का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है, टू थ्री हज़ार सिक्स, इसको इस तरह सेपरेट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिक्स एक्स प्लस एक्स, सिक्स वन हज़ार हो गया सिक्स, और सिक्स प्लस वन कितना है सेवन, बिल्कुल हमारी जो मिडिल टर्म वो ठीक है। इसका मतलब उसके बाद कॉमन लेंगे, यानी कॉमन देखेंगे, यहाँ पे टू है इसमें भी टू है, ठीक है, तो टू कॉमन लेंगे, और यहाँ पे एक्स एक्स भी कॉमन लेंगे, ठीक है, इंटू एक्स प्लस थ्री, टू इंटू एक्स हो गया टू एक्स स्क्वायर, टू थ्री जीरो सिक्स, सिक्स एक्स प्लस वन यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है, इंटू एक्स प्लस थ्री, ये वन के बराबर कोई है ही नहीं कम, तो वन ही निकाल सकते हैं, हो गया टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन, और इन दो में से एक ही लेंगे, हो गया एक्स प्लस, इस तरह हम ले सकते हैं। इस तरह का इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर है, ठीक है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम कर लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है, तो माइनस एक्स हमें इस तरह इस स्प्लिट करना है कि इन दोनों के बराबर इसका मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सोचना है बस कि किस तरह कर सकते, बाकी कोई काम मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको कैसे करेंगे, प्लस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स, ठीक है, माइनस फोर एक्स यानी फोर एक्स, ठीक है, प्लस थ्री एक्स, तो ये यहाँ पे माइनस एक्स हमें वापस आया, फोर थ्री हज़ार को एड टूएल्व हमें वापस आ गई। उसके बाद हम इसमें इनमें से कॉमन लेंगे, यहाँ से थ्री एक्स कॉमन आएगा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है, यहाँ से फोर आएगा इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है, इस तरह से हम करेंगे, फिर थ्री एक्स माइनस फोर, और इन दो में से एक ही लेंगे, तो एक्स प्लस वन, इस तरह से ये कॉमन आएगा,
सही बात है। तो जो भी ऐसे क्वेश्चन है बस देखना है कि जो भी मिडिल टर्म है वो किस तरह हम सेपरेट करेंगे, बस सीधा याद रखना है कि जो भी हम जिस तरह भी करेंगे इन दोनों का आपस में मल्टीपल आना चाहिए, यहाँ ऐड या सेपरेट करके इसके बराबर आना चाहिए, बस इस तरह हम मिडिल टर्म सेपरेट करेंगे। थैंक यू।